दोस्तों, कुछ दिनों से एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रही है और इस न्यूज को मैंने आज देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस इंफॉर्मेशन को आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो ट्रैकिन नाम की एक वेबसाइट है जहां पे आजकल एक न्यूज बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, जो कि है कि कॉग्निजेंट में लगभग 1.2 लाख एम्प्लॉयज ने रिजाइन किया है पिछले 90 दिनों में। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, ट्रैकिंग के मुताबिक इस साल कॉग्निजेंट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ एट्रिशन या फिर हिस्टोरिक नंबर ऑफ एट्रिशन देखा गया है, जो कि है 36%। पिछले साल वही एट्रिशन था 31%। तो सोर्सेस के मुताबिक कॉग्निजेंट का ये क्वार्टर क्या वर्स्ट होने वाला है, क्योंकि कॉग्निजेंट के जो कंपिटिटर कंपनीज है जैसे कि इंफोसिस, TCS, विप्रो और HCL में भी एट्रिशन देखे गए हैं, लेकिन कॉग्निजेंट का एट्रिशन सबसे ज्यादा है और इसे हिस्टोरिक नंबर कहा जा रहा है। तो बात करेंगे कॉग्निजेंट के कंपिटिटर कंपनी के एट्रिशन रेट के बारे में, जैसे कि इंफोसिस में इस साल 28.4%, TCS में इस साल 19.7%, विप्रो में 23.3% और HCL में 23.8% का एट्रिशन देखा गया है। कॉग्निजेंट की इंटरनल बोर्ड कमिटी इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो देख रही है कि कंपनी के इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह क्या है, और इंटरनल जो बोर्ड कमिटी है वो बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे चीजों को वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और अगर जरूरत पड़े तो CEO को भी शायद रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि कॉग्निजेंट के प्रेजेंट CEO फिलहाल ब्रायन हम्फ्रीज है, जो कि पहले वोडाफोन के CEO थे। बात करेंगे कॉग्निजेंट की। तो ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक जो रीजंस इस हाई एट्रिशन के बताए जा रहे हैं, उसमें से 5 पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और ये प्राइमरी 5 पॉइंट्स को ही एक रीजन माना जा रहा है, जो कि कॉग्निजेंट में इस साल हाईएस्ट एट्रिशन की वजह बनकर आई है। तो क्या है वो 5 पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट, द लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट सीनियर प्रोफेशनल्स, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इनएबिलिटी टू स्टाफ द बेंच्ड एम्प्लॉयज। तीसरा पॉइंट है इनएबिलिटी टू हायर और रिक्रूट सीनियर पर्सनल्स विथ टेक्निकल या टेक्नोलॉजी स्किल्स। और चौथा पॉइंट जो है, एम्प्लॉयज पे स्केल इज लेस देन द मार्केट स्टैंडर्ड। और लास्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है वो है डिप्रेसिंग रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको ट्रैकिन ने ऑब्जर्व किया है, हाईलाइट किया है कि इस वजह से इस साल कॉग्निजेंट का जो एट्रिशन रेट है वो रिकॉर्ड नंबर देखा गया है। अब देखना यही है दोस्तों कि कॉग्निजेंट को वाकई में अगर अपने एट्रिशन रेट को कंट्रोल में लाना है, एम्प्लॉयज को रिटेन करना है, तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है, क्या स्टेप्स लेने वाली है और वाकई में वो स्टेप्स कारगर होंगे या नहीं, यही हम आगे देखेंगे। और इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर अपडेट्स आते हैं तो मैं अपने चैनल में जरूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस यही था दोस्तों। आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।